गुड इवनिंग एवरीबडी, वी वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर पंकज त्रिपाठी एंड प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली. वी हैव देम हियर टुडे एट द प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 मुंबई लैंड. मैं आपको पहला सवाल पूछना चाहूँगी कि आप मैच देखने आए आज, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गेम से? स्टेडियम पूरे फुल है और बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है आज. हाँ, तो मैं वही इंटरेस्टिंग गेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही देखने आए हैं. और आपको आपको फैंस को कुछ मैसेज देना है गेम के बारे में, आपकी अपकमिंग मूवी के बारे में? मैसेज देना है, हमारी फिल्म 19 जनवरी को आएगी और मैच अभी आधे घंटे में चालू हो जाएगा और ये तो लंबा चलेगा. प्रो कबड्डी 10 10वां सीजन है, तो आप ये मैच देखें. आप घर पे हैं तो और घर से निकलना चाहते हैं 19 जनवरी के आसपास, तो थिएटर में मैं अटल हूँ, देखें. पंकज जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आपका पहला एक्सपीरियंस कबड्डी के साथ क्या था? मैं खुद खेलता था बचपन में गांव में, चूँकि ग्रामीण इलाके का खेल है. आज मुझे बहुत खुशी हुई, मैं पहली बार देख रहा हूँ ये लाइटें चकाचौंध, तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि यार कम से कम एक भारतीय खेल को इस किस्म का प्लेटफॉर्म मिल रहा है. और तो ये मेरी बहुत सारी यादें हैं, यही खेल किस बचपन में टाइम पास किए हैं. आपकी फेवरेट एक मेमोरी क्या है कबड्डी की? चोट लगी थी एक बार बहुत कस के. और आपको क्या फीलिंग आ रही है कि इतना बड़ा मुकाम पे आ गया है कबड्डी और 12 शहरों में हो रहा है ये साल, तो 4 साल बाद कोविड के बाद सारी सिटीज़ में हो रहा है और सारे फैंस को सब ऑल ओवर इंडिया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है कबड्डी, तो आपका क्या कहना है उस पर? ये बहुत अच्छी बात है. मैं यहाँ जो अभी ऑडिटोरियम देखा, उस पवेलियन में जो लोग बैठे हैं जितनी, तो मैं बहुत खुश हुआ, थोड़ा आश्चर्यचकित भी हुआ कि लाइव मैच देखने कबड्डी के इतने लोग आते हैं, ये तो कमाल की बात है. पीछे बाहर बसें दिख रही थी, महाराष्ट्र के इंटीरियर से लोग चल के आए हैं देखने, तो ये आप लोग बधाई के पात्र हैं कि कबड्डी को इतना पॉपुलर कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत सही चीज़ है. विनोद जी, आपके लिए एक सवाल है. हमने देखा है कि बॉलीवुड बहुत सारी स्पोर्ट्स बायोपिक पे मूवीज़ बनाती है, तो आपको लगता है कि कबड्डी पे कभी भी मूवी बन पाएगी? और आप एज ए प्रोड्यूसर किसको लेना चाहेंगे प्लेयर को जिस पे आप बायोपिक बनाएंगे? देखिए, बायोपिक करने के लिए एक जो होता है ना कि लोगों को आप किस तरह से जोड़ रहे हो, आपके चाहे आपका काम से या आपके स्पोर्ट्स से, तो जो जो जीतता है, जिसकी स्ट्रगल होती है, जिसको लोग बड़े पर्दे पे देखने की कोशिश करेंगे, उसकी डेफिनेटली बनेगी. और आप कौन से प्लेयर पे बनाना चाहेंगे अगर आप बायोपिक बनाते हैं तो? कहता हूँ जो बहुत पॉपुलर होगा वो बहुत जीतेगा. आई वुड जो खिलाड़ी भी अच्छा हो और पॉपुलर भी हो, हमें टिकट भी तो बेचनी है. आई विल नाउ लाइक टू ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चंस फॉर मीडिया. पंकज सर, मेरा आपसे सवाल है, अभी प्रो कबड्डी में हमारे यहाँ पे 10 टीम है, तो आप अगर खेलना चाहोगे तो आप किस टीम को रिप्रेजेंटेट करना चाहोगे? मैं आइदर मुंबई की टीम और बिहार की टीम, चूँकि एक कर्मभूमि है, एक जन्मभूमि है और इस दोनों भूमि से लगाव है, तो स्वाभाविक तौर पे मैं दोनों टीमों का सपोर्टर होऊंगा या इनकी तरफ से खेलना चाहूँगा. आपका फेवरेट प्लेयर कौन है सर अभी इस सीज़न में? इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने सुना है पवन ना, हाँ, बहुत अच्छा खेलते हैं, पर मैं देखता नहीं हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ. मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे नाम बताए गए थे 2-3, पर वो अच्छा नहीं लगता है, बिना देखे बोलते हैं. ये तो प्रोस्थेटिक ये विनोद जी का और भानुशाली स्टूडियो का हम शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं कि इन्होंने जब पहली बार स्क्रिप्ट तब नहीं थी, तब ये विचार था कि अटल जी पे फिल्म बनेगी, और विनोद जी ने बात कही कि अगर तुम नहीं करोगे तो फिल्म नहीं बनेगी, मैं बनाऊंगा ही नहीं, तो मुझे लगा इतना भरोसा, मुझे खुद ही नहीं भरोसा था अपने ऊपर, तो हमने बड़ी मेहनत से ईमानदारी से एक फिल्म बनाई है जिसमें अटल जी के जीवन यात्रा है, उनकी तरह दिखना वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें मेकअप का भी योगदान है. अटल जी की तरह दिखने से वो तो यूट्यूब पे और वीडियो में बहुत फॉर्मेट में रियल मौजूद हैं, उनकी कहानी, उनकी जर्नी, उनकी यात्रा, बटेश्वर का वो लड़का कैसे बना इतना बड़ा कवि और राजनेता और देश का प्रधानमंत्री और इतना पॉपुलर प्रधानमंत्री जिसको हर दल के लोग पसंद करते थे, तो वो कहानी इम्पोर्टेंट है. और ऑफकोर्स बायोपिक में हम ट्राई करते हैं कि लुक थोड़े बहुत रिजेंबलेंस आ जाए, आसपास हो जाए, तो उसके लिए
मेकअप की टीम, रवि जाधव सर हमारे डायरेक्टर, इन सब का योगदान है, फिल्म अच्छी बनी है। जैसे पंकज जी ने कहा अभी, चैलेंजिंग क्या होता है कि आप मिमिक्री नहीं करें, मतलब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे एकदम उनकी तरह मिमिक्री करने लगे या उस तरीके से, यू नो, उनका थॉट कैप्चर करके। और ऑब्वियसली हमारे पास में और कोई, जब जैसे हम फिल्म सोच भी रहे थे तो पंकज जी बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज जो भी हमने देखा है, मतलब इनकी फिल्मों के द्वारा या पढ़ा है, तो उसके हिसाब से सिर्फ हमारे पास एक ही चॉइस थी अटल जी की, एज फार एज बांसुरी स्टूडियोज कंसर्न। तो वो उसमें बहुत सारी जो क्वालिटीज़ होती है ना, तो लीडर की जो क्वालिटी थी अटल जी की, तो हमें एक सद्भावना होती है, बात करने का तरीका होता है, एज अ पर्सन ऑल्सो, आई मीन प्योर एट हार्ट, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व, क्योंकि ड्यूरिंग द फिल्म ऑल्सो हमने बहुत सारी ऐसे, मैं किस्से तो बहुत सारे सुना सकता हूँ, पंकज जी जैसा साधारण व्यक्ति लेकिन उच्च विचार वाला, और लोगों के लिए हम्बलनेस, जो इनकी जो कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसके वजह से हमने ये तय किया था कि अटल जी यही करेंगे। और आई थिंक राइट हो गया है वो चॉइस, बिकॉज जो हमको प्यार और ये मिल रहा है ट्रेलर्स वगैरह पे, वो कमाल है। आपके एक्टिंग क्षेत्र में जो दोस्त हैं, जैसे पीयूष मिश्रा जी भी जो इस मूवी में दिखेंगे, तो आपके दोस्तों में से अगर आपको चुनना हो, रेडर, डिफेंडर और ऑलराउंडर, तो आप किस किस को चुनेंगे? अच्छा, सबको, सब अद्भुत लोग हैं, पीयूष सर भी हैं, मनोज भैया भी हैं, नवाज सर हैं, ये सब हमारे सीनियर हैं और सब ऑलराउंडर, डिफेंडर, सिलेंडर सब हैं। तो अगर सर अटल जो फिल्म है उसमें जो आपने रोल किया है, वो पहले जो किरदार निभाया उससे काफ़ी अलग है, तो किस तरह का प्रेपरेशन आपने किया था, कितने टाइम पहले से आपने शुरुआत की थी प्रेपरेशन की? शूटिंग के 2 महीने पहले से मैं पढ़ना शुरू किया अटल जी के बारे में, जो भी किताबें, जो भी रिटन मटेरियल, लेख, न्यूज़ एडिटोरियल, जहाँ जहाँ भी छपा था मैक्सिमम पढ़ने का प्रयास किया, पढ़ लूँ, जो किताबें कुछ लिखी गई हैं वो पढ़ लूँ। तो 2-3 महीने पहले शुरू किया था और 2 महीने शूटिंग चली थी, तो कुछ 5-6 महीने का, मेरे लिए 5 महीने का प्रोसेस था शुरू करने से फिल्म की शूटिंग तक। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू। क्या था वैसे बोल दे? अभी विचार नहीं किया है, अभी फिलहाल तो मैच देखना है, मेरा जाने की इच्छा है वहाँ पे, लक्षद्वीप मैं देखा नहीं हूँ, गया नहीं हूँ, वो हिस्सा बचा है, तो मेरी बड़ी चाहत है कि जाऊँ, सुना है बहुत खूबसूरत सुंदर है जो तस्वीरों में देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।